दोस्तों आज हम मारुति ग्रैंड विटारा का जो ट्रू हाइब्रिड सिस्टम है उसको कंपेयर करूंगा। मारुति ग्रैंड विटारा का जो ट्रू हाइब्रिड सिस्टम है उसमें सिर्फ दो ही मॉडल आते हैं, जेटा प्लस और अल्फा प्लस। दोनों की प्राइस डिफरेंस की बात करें तो आपको 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस देखने में मिलेगा। मतलब जेटा प्लस 1.5 लाख रुपए तक सस्ती होगी टॉप मॉडल अल्फा प्लस के मुकाबले। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे क्या आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करके टॉप मॉडल अल्फा प्लस परचेस करनी चाहिए या फिर इसका निचले वाला मॉडल जेटा प्लस परचेस करनी चाहिए और 1.5 लाख रुपए बचानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डायमेंशंस की बात करें तो दोनों एक ही गाड़ी है, तो डायमेंशंस में आपको कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, इक्वल होगा। इंजन डिटेल्स की बात करें तो इंजन डिटेल्स में भी आपको कोई भी फर्क नज़र में नहीं आएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन का सेटअप देखने में मिलेगा, जो सेम पावर फिगर्स और आपको सेम माइलेज निकल कर दे देती है। तो डायमेंशंस और इंजन सेटअप में कोई भी फर्क आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी तौर पर जो डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा वो होगा फीचर्स को लेके। 1.5 लाख रुपया अगर आप एक्स्ट्रा चुकाते हो तो आपको टोटल 8 फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे अल्फा प्लस मॉडल में। लेकिन ये 8 फीचर क्या जस्टिफाई करता है 1.5 लाख रुपए को, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो फीचर होगी वो होगी लेदराइट सीट्स। लेदराइट सीट्स मतलब लेदर की सीट्स आपको देखने में मिलेगी, निचले वाले मॉडल में आपको लेदर की सीट ऑप्शन नहीं मिलती। तो ये पहली फीचर है। दूसरी फीचर है आपको लेदराइट स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। लेदराइट स्टीयरिंग व्हील कोई बहुत बड़ी फीचर है नहीं, आप लोग मारुति से ही 510 रुपये या फिर 520 रुपये खर्च करके लेदर वाली स्टीयरिंग ले सकते हो, मतलब स्टीयरिंग पे लेदर चढ़ा सकते हो। यह कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं है 1.5 लाख रुपये में। तीसरी जो फीचर होगी वो होगी पैडल लैम्प। पैडल लैम्प भी कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर में से नहीं है, ये आपको टॉप मॉडल में देखने में मिलेगी। चौथी जो फीचर डिफरेंस होगी वो होगी हेडअप डिस्प्ले। अब ये एक ज़रूरी फीचर है जो आपको टॉप मॉडल अल्फा प्लस में मिलेगी, निचले वाले मॉडल में नहीं मिलेगी। सिर्फ इसी मॉडल में आपको कंपनी ने हेडअप डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, डेली ड्राइव के दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो 5 नंबर की फीचर है वो है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का, ये भी बहुत ही यूजफुल फीचर में से एक है। जब आप कार में बैठते हो, एसी ऑन करते हो तो आपका बॉडी कूल रहता है, लेकिन सीट के पीछे आपका जो बॉडी रहता है वो कूल नहीं रह पाता। वहाँ पर आपका जो टी शर्ट वगैरह है वो पसीने से भीग जाती है, तो वहाँ पर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ही यूजफुल और कामलायक फीचर हो जाती है। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा हेडअप डिस्प्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ये दोनों ही बहुत ही यूजफुल फीचर है। नंबर 6 पर जो फीचर है वो है प्रीमियम साउंड सिस्टम की। प्रीमियम साउंड सिस्टम के लिए भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी फीचर नहीं है। नंबर 7 पर जो फीचर डिफरेंस होगा वो होगा 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, आपको जो इसका माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन है उसमें मिलेगा। और अगर आप लोग ट्रू इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको परचेस करते हो तो उसके टॉप मॉडल अल्फा प्लस में आपको मिलेगी। ये फीचर भी बहुत ही यूजफुल फीचर है। अगर आप शहर वगैरह में रहते हो, टाइट पार्किंग प्लेस में आपको कार पार्क करनी पड़ती है, तो उस टाइम ये 360 डिग्री कैमरा आपको काफ़ी मदद करती है, बहुत यूजफुल हो जाती है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 3 फीचर आपको बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल मिलेगी अगर आप लोग 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हो। अब लास्ट जो फीचर है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नो डाउट ये फीचर भी काफ़ी यूजफुल और काफ़ी प्रैक्टिकल है। आप जब कार को स्टार्ट करोगे तो जो MID है, MID में आपको देखने में मिल जाएगा किस टायर पर कितना कितना प्रेशर है। तो अगर कम है तो आप इजीली उस टायर में हवा भर सकते हो और टायर प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है। तो टायर प्रेशर मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, हेडअप डिस्प्ले और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ये 4 फीचर वाकई में बहुत यूजफुल है। लेकिन क्या ये 1.5 लाख रुपये के लिए जस्टिफाइबल है? तो मैं आप लोगों को कहूँगा नहीं, 1.5 लाख रुपए के लिए ये 4 फीचर उतना ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन अगर आप 18 लाख रुपए खर्च कर ही सकते हो तो आप लोग 1.5 लाख रुपए भी खर्च कर ही सकते हो। तो उस मामले में अगर आप लोग खर्च कर सकते हो तो आप लोग टॉप मॉडल ही परचेस करो। लेकिन अगर आप अपने कार की वैल्यू फॉर मनी मॉडल चाहते हो तो आप लोग जेटा प्लस के साथ ही रहिए, इससे
क्या होगा, आपका 1.5 लाख रुपये बच भी जाएगा और 1.5 लाख रुपये का आप लोग पेट्रोल डाल के कार को चला भी सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपको जेटा प्लस परचेस करनी है या फिर अल्फा प्लस परचेस करनी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।